हेलो एवरीवन, आई एम दीपक पुरवे। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7th ऑन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 9, दैट इज यूनिटरी मेथड पार्ट 3। इन दिस वीडियो वी डिस्कस सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 8 केजी शुगर कॉस्ट ₹260, हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर ₹877.50। 8 केजी शुगर का कॉस्ट है ₹260। देन वी हैव टू फाइंड हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फ्रॉम ₹877.50। यानी 877.50 से हमको कितना शुगर मिले खरीद सकते हैं वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन जो गिवन जो है क्वांटिटी का जो वैल्यू दिया गया है उससे हम लोग निकालेंगे। जो गिवन कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन, कंप्लीट हमको डाटा दिया गया है, वैल्यू दी गई है, उसके थ्रू हम यहाँ पर निकालेंगे। तो कंप्लीट क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ 8 kg शुगर इज ₹260। तो यहाँ पर अगर 8 kg यानी ये वेट है, अगर वेट का अगर वैल्यू पूछा जाता तो फिर वेट को हम शुरू में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट का वैल्यू पूछा जा रहा है, इस कॉस्ट में कितना होगा। तो पहले हम कॉस्ट को पहले लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉस्ट को पहले लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए लैंग्वेज थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने स्तर से जो है लैंग्वेज को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कॉस्ट शुरू में हो जाए और जो वेट है वो बाद में हो जाए। यानी जो वैल्यू हमको फाइंड करना है, जिस यूनिट में हमको वेट में फाइंड करना है, तो वेट को राइट हैंड साइड में लिखने की कोशिश करेंगे, बराबर के, इक्वल के राइट हैंड साइड में। तो हमको वेट चाहिए, फाइंडिंग वी नीड टू फाइंड वेट, सो वी पुट वेट इन राइट हैंड साइड इन स्टेटमेंट। वी नीड टू फॉर्म ए स्टेटमेंट ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। सिंस amount of sugar bought 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 for RS 260 is equal to 8 kg। यहां पर ये हम बनाए स्टेटमेंट कि शुगर का अमाउंट ₹260 में 8 kg खरीदा जा सकता है। इसको और भी तरीका से बना सकते थे, इन RS 260 शुगर कैन बी बॉट, और या इन RS 260 शुगर बॉट इज इक्वल टू 8 kg, इस तरह से भी लिख सकते थे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वन यूनिट का, सो वी फर्स्ट वी फाइंड वन यूनिट का हम वैल्यू निकाल लेंगे। सो हियर अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट AMOUNT, अमाउंट ऑफ शुगर शुगर बॉट, कैन लिख देते, कैन लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी, कैन बॉट BOUGHT बॉट फॉर RS 1 में कितना होगा वो हम फाइंड कर लेंगे, RE1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, अमाउंट कम हो गया, अमाउंट लेस हुआ है। अमाउंट लेस हुआ है तो क्या होगा, वेट भी लेस होगा। जब हम ज्यादा रुपया खरीदेंगे तो ज्यादा अमाउंट खरीदा जाएगा शुगर, अगर कम रुपया खरीदेंगे तो शुगर भी कम मिलेगा, तो अमाउंट भी कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेस के लिए क्या हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा, 8 बाय क्या हो जाएगा, 260, ये हो जाएगा केजी में। ठीक है, 8 बाय 260 kg, 1 रुपये में कितना खरीद सकते हैं, तो 8 बाय 260। इसलिए अमाउंट ऑफ शुगर कैन बॉट BOUGHT बॉट फॉर कितना रुपया पूछ रहा है, RS 877.50 इज इक्वल टू,
अब देखिए, अब यहां पर देखना है 1 रुपए में इतना इतना अमाउंट हम शुगर खरीद सकते हैं। अब यहाँ अमाउंट क्या हो रहा है, अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अमाउंट बढ़ रहा है। तो अमाउंट जब बढ़ रहा है, जब रुपया बढ़ रहा है, तो चीनी की अमाउंट भी बढ़ जाएगा, चीनी का वजन भी बढ़ जाएगा, ठीक है, चीनी भी ज्यादा मिलेगा। तो फॉर गेट मोर वी नीड टू मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, U1 का जो वैल्यू है 8/260, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 877.50 से, इतना ये केजी हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल के बदला में 1, यहाँ डेसिमल पुट करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 2 जीरो उतार देंगे, ठीक है। अब डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा, और 5 से ये कट जाएगा, 5 1 जा, 5 7 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, 5 से कटने के बाद हुआ 1755। अब 2 से ये 2 1 जा, 2 4 जा, ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, 4 6 जा, 4 5 जा। अब यहाँ पर 5 से कटेगा 13, और ये 5 से कटेगा तो 5 3 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 13 1 जा, 13 2 जा, और 13 7 जा, दैट इज फाइनल इज 27 केजी, ठीक है, 27 केजी। तो ये हो गया, तो यहां हम लिख देंगे इसको, हेंस 27 केजी ऑफ शुगर कैन बी बॉट BOUGHT फॉर RS 877.50 रुपीज इज द आंसर। अगेन आई रिकॉल इट, सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन को जो दिया हुआ कंप्लीट स्टेटमेंट है इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग सिंस लगा करके उस स्टेटमेंट को लिखेंगे। उस स्टेटमेंट को लिखने के समय हमको ध्यान देना होगा क्या चीज का, कि हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करना है, जिस क्वांटिटी के लिए वैल्यू फाइंड करना है, उस क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में रखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर फॉर आर एस 877.50 रुपीज, यहां पर अमाउंट है, ये अमाउंट है रुपीज, पैसा की कॉस्ट की बात हो रही है, तो कॉस्ट को पहले रखेंगे हम लोग, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। और इस अमाउंट के लिए हमको क्या चाहिए, वेट चाहिए, अमाउंट यानी हमको वेट चाहिए, कितना शुगर मिल सकता है। तो वहां पर क्वांटिटी जो है वेट का, वो हमको राइट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जबकि राइट हैंड साइड में ना, लेफ्ट हैंड साइड में शुरू में ही है, तो इसको हमको लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होगा। तो लैंग्वेज को कन्वर्ट हम अपने स्तर के अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ शुगर बॉट फॉर RS 260 इज इक्वल टू 8 kg, इस तरह से भी कर सकते थे, या दूसरा इसका लैंग्वेज और भी हम कर सकते थे, और कई भी लैंग्वेज कर सकते थे। इन RS 260 द अमाउंट ऑफ शुगर बॉट इज इक्वल टू 8 kg। अब ये स्टेटमेंट जो है हम क्वेश्चन से ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 यूनिट यानी 1 क्वांटिटी का हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर इधर केजी रहता तो 1 kg का वैल्यू निकालते, अगर रुपीज है तो 1 रुपीज का, यहाँ मीटर में रहेगा तो उतने मीटर, 1 मीटर का जो यूनिट में रहेगा वो 1 यूनिट का हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 260 रुपये है, यहाँ 1 रुपये की निकाला है, तो वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू हो गया, अमाउंट का कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो वेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो फॉर लेस डिक्रीज मीन्स लेस, तो यहाँ फॉर लेस और फॉर डिक्रीज वी नीड टू डिवाइड, कम वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर वैल्यू कम हो जाता है, और मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू
ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर को वैल्यू को कम करना था तो मल्टीप्लाई किए, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ वैल्यू कम करना था तो यहाँ डिवाइड किए, तो 1 रुपये में कितना शुगर मिलेगा, तो 8/26, 8/260, ठीक है, इतना केजी 1 रुपये में हमको शुगर मिलेगा। अब हमको जितना रिक्वायर्ड है, जितना का कह रहा है वो वैल्यू यहाँ लिख देंगे, तो अब वह यहाँ 1 रुपये का पता है, तो अब यहाँ 877.50 यानी 1 रुपये से बहुत ये ज्यादा हो गया अमाउंट, तो जब इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 1 को इतना से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी इतना से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। या जब ये वैल्यू बढ़ रहा है तो इधर भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। 1 रुपये में इतना मिलता था तो 877.50 रुपये में ज्यादा मिलेगा, तो फॉर गेट मोर वी नीड टू मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 रुपये की जो वैल्यू थी उसको हमने मल्टीप्लाई किए, ठीक है। फाइनली वी गेट 27 kg ऑफ शुगर कैन बी बॉट फॉर ₹877.50। Thank you for visiting the video. The next concept and question from this chapter will be continued in next part of the video.